हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सॉरी आज आर का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। एंड इसका भी वॉइस ओवर मैं लगभग 6 बजे कर रहा हूँ, तो वीडियो जो है ना लगभग 7 या 8 बजे करीब आ ही जाएगा। तो एज यूजुअल यार, ये हमारा ग्लोबल डाइंग सर्वर का होने वाला है डे नंबर 7। एंड जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूँ तो सबसे पहले जो है ना मैं हमेशा वही काम करता हूँ, मिलिट्री आता हूँ, एवेंजर बजाता हूँ। तो मैंने अपने टीममेट को ऑलरेडी बोल दिया है, अगर एवेंजर होगा तो मैं तुम्हें कॉल दे दूंगा, तुम फटाफट से एवेंजर को मारने के लिए आ जाना। वैसे आज जो है ना हमारा प्लान है रूम्स वगैरह करने का, क्योंकि गाइस अभी जो है ना अपने को 3 चीज चाहिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रिएक्टर है, एंड उसके बाद एनर्जी कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि यार हमें पता है डेफिनेटली हैकर तो अपना बेस जरूर रेड करेगा। तो हमारा प्लान था कि हम लोगों को जो है ना एनर्जी आउटर वॉल का डिवाइस तो मिल चुका है, बस मेरे को जो है ना एनर्जी कंट्रोल डिवाइस चाहिए और रिएक्टर चाहिए, जिससे जो है ना अपनी वॉल की हेल्थ एकदम डबल रहेगी। तो मतलब उसे जो है ना स्टील का वॉल तोड़ने में भी 20 या 24 के करीब रिपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर टाइटेनियम का कर देंगे तो भाई तब तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सो वही सोच के हम लोगों ने डिसाइड करा सारे के सारे पर्पल रूम हम लोग कर ही देंगे, एंड देखते हैं आज मिलता है या नहीं मिलता। बट हाँ जो है ना गाइस, एक काफी गजब का सीन होगा। वो सीन क्या है, तो यहाँ पे जो है ना गाइस मेरे को हेलीकॉप्टर मिला था और आया था यहाँ पे ड्रॉप मिलिट्री में। मैंने कहा भाई आज तो मजा ही आ जाएगा, एंड मेरा प्लान था कि मैं जो है ना अपने साथ बजूका लेके जाऊंगा, अगर वहां पे हैकर आया तो भाई उसको हम लोग मारने का ट्राई करेंगे, देखते हैं आगे हैकर आता है या नहीं आता। बट मेरे को यहाँ पे ब्लू रूम पे पर्पल कार्ड मिला, और पर्पल रूम मैंने किया था बट यार कुछ खास मिला थी नहीं, पर यहाँ पे जो है ना अपन को एवेंजर दिख गया। तो मैंने कहा अपना टीममेट तो ऑलरेडी आ चुका है, सबसे पहले तो यहाँ पे एवेंजर को बजाता हूँ। बट यार ये क्या सीन है, मैं अलग अलग डिवाइस से खेल खेल के ना यार कंट्रोल ही याद नहीं रहते। एंड आज जो है ना तुम्हारे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हुई थी, मतलब 2-3 बारी ऐसे मरा ना, अब क्या ही बोले यार, यही प्रॉब्लम होती है जो 36 गेम खेलता है ना, तो उसका कंट्रोल एक हाथ में सेट नहीं होता, मतलब एक गेम पे सेट नहीं होता, हर टाइम हर अलग गेम हर अलग कंट्रोल्स भाई सब में खत्म, एक में भी सही नहीं। तो मेरा सीन भी वही है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एवेंजर तो इजीली मार दिया है। एंड अभी अपन लोग इसके बाद पहुंचे थे सीधा बैंडिट कैंप में, बट यार जब भी मैं बैंडिट कैंप पाता हूँ बैंडिट कैंप हमेशा लूटेड। मैंने कहा भाई कौन है, उनको पकड़ना तो पड़ेगा ही। एंड उसके बाद मैं आया था सीधा बॉट बेस में, और काफी भाई लोग बोलते हैं कि भाई यार जहाँ पे मिस्ट्री है ना आयरन वाले बॉट बेस में, वहां पे हमें वो समझ में नहीं आता। तो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे से लूट वगैरह उठाता हूँ। एंड काफी ज्यादा भाई लोग जो है ना लास्ट वाले एरिया में डरते हैं, एंड वो जो है ना मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि बार बार नए प्लेयर्स आते रहते हैं, सो उनके लिए जो है ना हमें जब भी बॉट बेस करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जब तक गाइस हम लोग यहाँ पे बॉट बेस कर रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो गाइस प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो गाइस सबसे ज्यादा न्यू प्लेयर्स को प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम लोग इसके पार कैसे जाएं। अगर हम लोग गलती से लेजर में अटैच हो गए तो समझ लीजिए हमारी पेटी बनी। तो अगर आप लोग सोलो आ रहे हो तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना प्रो रो के आराम से जा सकते हो। अगर आप डबल हो तो गाइज यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहले वाले बंदे को जो पहले ही पार करेगा उसे तो आप लोग पार करके वहां पे कोने में खड़े कर देना, एंड उसके बाद आपको ऐसे करके नहीं जाना है, उसके बाद जो है ना आपको भागते हुए जाना है एंड सीधा अपने दूसरे प्लेयर के सामने चिपकना है। वो लोकेशन कौन सी मैं बताता हूँ। तो गाइज फ्यूल डालने से पहले आप जो है ना अपने एक बंदे को इस कोने में बिठा दोगे, तो उसके बाद फ्यूल डाला एंड आप लोग जो है ना इजीली भाग के यहाँ पे आ सकते हो। चलो गाइस अभी जो है ना मेन एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे काफी ज्यादा भाई लोग को प्रॉब्लम होती है। तो भाई सबसे पहले तो इनको मारना है। भाई आप लोग यहाँ पे अगर गलत क्लास प्लेट दबाओगे ना तो माइनक्राफ्ट के तरह नहीं है जंगल टेम्पल में मिलता है, आई मीन डेजर्ट टेम्पल में, अगर प्लेजर प्लेट के ऊपर आपने पाँव रख दिया तो भाई पूरा डेजर्ट टेम्पल ही उड़ता है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, अगर आप लोगों ने गलत प्लेजर प्लेट के ऊपर पाँव रखा आपके साथ साथ सब गए, तो वो गलती नहीं करनी है। चलो फटाफट से फ्यूल डालता हूँ, अपना गन्स वगैरह रिलोड करूंगा। तो यहाँ पे गाइस क्या कर रहे हैं, जो जनरेटर वाला एरिया है ना तो आपको सेकंड नंबर में उछलना है। तो देखो ये यहाँ से खुलेगा, यहाँ पे कुछ डॉक्टर होंगे उन्हें मार रहे हैं, एंड यहाँ पे
निकल वाला भी रहता है, बट इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आराम से मर जाएगा। बट यार अपडेट से पहले काफी गलत सीन था, मैं तो कम से कम 7 से 8 बार मरता था यहाँ पे, बट अपडेट के बाद इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया कर दिया है। तो फटाफट से हम लोग डालते हैं ये, बस अब गाइस लास्ट है, अब मैं बॉडबेस का कभी नहीं दिखाऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इनके ऊपर, क्या बोलते हो, सेपरेट वीडियो डाल देंगे, अगर जिसको भी जरूरत होगी वो देख लेगा। चलो यहाँ पे तो खोलता हूँ। ओके अभी जो है ना मेरे को यहाँ पे से फटाफट से डालना है। वैसे मैंने वुडन वाला बॉडबेस का ईची वाला एरिया तो आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर जिस भाई को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो भी मैं बता दूंगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा पहले जनरेटर का सेकंड वाला, फिर वही जनरेटर के एरिया का थर्ड वाला प्रेशर प्लेट दबाना है। ये देखो यहाँ पे से डोर ओपन होगा एंड भागो और डब्बे से उठाओ लूट और भाग जाओ यहाँ पे से। ठीक है मिल गया। ओके है तो ठीक है गाइस, यहाँ पे 5 फ्यूल डालेंगे। पहले मैं 20-20 डालता था, बट अपने टीममेट ने बोला यार इतना फ्यूल डाल के वेस्ट नहीं करना है। चलो ठीक है, हम लोगों को फ्यूल मिला, जीपी मिला, स्टील मिला, मजा आ गया। वैसे काफी ज्यादा भाई लोग बोलते हैं भाई पूरा कंप्लीट करके जाया कर, तो मैंने ऑलरेडी एक बार ही किया है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, तो आगे जाके कोई फायदा नहीं है गाइस, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यहाँ पे से इजीली जंप मार के निकलते, कोई रुक के फायदा नहीं है भाई, चकुआ मारा। तो वहां पे से हम लोग दोबारा से यहाँ पे पहुंचे, बट दोबारा बंदे ने करा हुआ है भाई, गलत सीन है। उसके बाद में यहाँ पे हार्बर में पहुंचे, यहाँ देखो भाई दो बंदे क्या ही गंदी तरीके से अपने ऊपर फायर कर रहे, तो मैं यहाँ पे अलग लेके आया एंड उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आया। मेरे को पता था ये गाड़ी लेने आएगा, वैसे मेरे को बंदा दिखा एंड मैंने यार डैमेज तो दिया, बट यार आईपैड से खेलो अलग मोबाइल से खेलो, कंट्रोल ही सेट नहीं होता पता नहीं यार। यहाँ पे मैंने काफी डैमेज दिया था, मैंने डिसाइड करा चलो अभी जो है ना वो डैमेज है तो डेफिनेटली अपना आपको हील अप करेगा, तो मैंने डिसाइड करा है चलो फटाफट से हम लोग जो है ना उसके ऊपर पुश करते हैं। एंड यहाँ पे जो है ना काफी गलत सी, अरे यार भाई इसको खोलने में मैंने देरी कर दी, बट कोई नहीं। उसके बाद मैं गया था अपने आईपैड से, बट वो बंदे अपने बेस से बाहर ही नहीं निकले, वैसे मेरी गाड़ी लेके गए तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं तो उनको पकड़ ही दूंगा। तो ओके गाइज यहाँ पे अपने को दोबारा मिलिट्री आया एंड मिलिट्री का पर्पल रूम कर रहा था, बट कुछ खास नहीं मिला, इससे मिलेगा। ओके यार यहाँ पे मेरे को राइफल डिवाइस मिला और तो कुछ नहीं है यार, रिएक्टर ही दे दे भाई, कितना परेशान करेगा। 3 दिन से गाइस लिटरली मैं रिएक्टर ढूंढ रहा हूँ। ओके यहाँ पे मेरे को हैली मिला, हैली लेके चलते हैं भाई, हैली मिल गया। तो वैसे अभी रेड मार के कोई फायदा नहीं है। ओके अबे नहीं भाई ये गलत सीन है। तो उसके बाद मैं दोबारा आया भाई बड़ा वाला आर्मर लेके, मैंने मार दिया था, चलो हम फटाफट से यहाँ पे से रूम करते हैं। भाई ये बहुत गंदा मारता है, वैसे एक बुलेट्स में मर जाता है, अगर आप लोग इसको मारोगे नहीं ना तो समझ लीजिए भूल जाइए रूम करना, भाई रूम मिलेगा। क्या ही गजब की लात मारता है बजूका से भाई, मेरी तो हालत खराब कर देता है। बट ओके कुछ नहीं है भाई यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कचरा एकदम। कभी कभी तो गाइस रिएक्टर जो है ना पहले ही स्टार्टिंग में मिल जाता है, बट अभी जो है ना रिएक्टर मिलने का नाम ही ले रहा है। पहले अपना लूट उठाओ, ठीक है लूट उठा लिया है, भागो यहाँ पे से। तो इसके बाद जो है ना गाइस मैं जैसे ही अपने बेस में गया, यहाँ पे आ गया था ड्रॉप, मैंने कहा चलो यार हैली लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे देखा हैकर था, वो आज ऑनलाइन ही था, तो मैंने डिसाइड करा बजूका लेके जाके कोई भी फायदा नहीं है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे, वैसे भी मेरे को ऊपर से मारना है। तो देखो अभी तुम्हारा भाई कैंप करेगा एंड यही बंदे जो है ना बाद में मुझे कैंप करके मारेंगे, पर बोला ना जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, वही होगा आज अपने साथ। बट चलो ऐसे करते ना, हम लोग हैली को यहाँ पे रोकते हैं, आगे चले नहीं, आगे जाके लगता कोई फायदा नहीं है। ओके रिपोर्ट में बंदे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे, अगर इस वाले एरिया से आएगा तो मैं इसको इजीली मार दूंगा, अगर उधर वाले एरिया से आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे तैसे करके हम लोग इनको मार ही देंगे। वैसे यहाँ पे मैं अपना हैली उतारता हूँ आराम से। ओके तो चलिए भाई यहाँ पे बैठता हूँ मैं चुपचाप से, हाँ यहाँ पे कोने में ठीक है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे बैठा एंड फाइनली एक बंदा आया और देखो भागते हुए जा रहा है, चलो इसको आराम से मारेंगे। बट यार आज ये एम असिस्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, कचरा हो गया अपना एम असिस्ट। तो ये तो गया ट्रक के पीछे, अब देखता हूँ अभी कंफ्यूज है। ओके भाई लगता है इसके पास बड़ा आर्मर है भाई, 4 बुलेट से लगी बट अभी ये तो मरा नहीं है।
अरे अरे आई थिंक वो बंदा देख लिया अपने को। अभी वो अपना आपको हील अप करेगा एंड जैसे गाइस यहाँ पे से वो भागने का ट्राई करेगा ना तो उसको मारेंगे क्योंकि भागेगा जरूर। तो गाइस कुछ देर बाद बंदा ये बाहर निकला, ऑलरेडी मैंने नॉक कर दिया था, अभी जो है ना इसको पूरा फिनिश कर दो, कहीं ये बंदा पेस मेकर यूज ना कर ले। ओके यार यहाँ पे एक बंदे को तो मारा, रिपोर्ट में अभी कोई बंदे है नहीं, सो हमारे पास काफी अच्छा मौका है, फटाफट से चलते हैं उसका लूट उठा लेते हैं वहां से। ठीक है यार यहाँ पे मेरे को M4, ओके तो मैं बोल रहा था ना डेफिनेटली बंदे के ऊपर पास काफी महंगा आर्मर है भाई, टाइटेनियम का लैग पैन क्या रखा है। चलो बढ़िया है हमें नहीं मिला तो एटलीस्ट हमें इससे मिल गया। सो अभी हम जो है ना इसको भी लर्न करेंगे, अपने पास एनर्जी का चेस्ट हो चुका है, टाइटेनियम की चड्डी हो चुकी है और तो बस स्टील का पाल्टी है और जूता भी स्टील का है अपने पास। तो अभी मैंने ड्रॉप ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है, फटाफट से हम लोग उधर ही चलते हैं, उधर ही बैठेंगे है ना, यहाँ पे सही है। तो भाई यहाँ पे हमें बैठे हुए थे एंड लगभग पूरा रात हो गया था, जैसे यहाँ पे रात हुआ भाई एक बंदा और आया, देखो उसको किस तरीके से बजाएंगे। ओके फुटस्टेप्स आने लगे अपने को, बंदा सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ से मार रहे हैं, गया गया भाई। वैसे बंदा एक और रिपोर्ट में, मुझे नहीं लगता अभी इसका लूट ले जाके कोई भी फायदा होगा, रिपोर्ट में बंदे आ रहे हैं कहीं अपने नीचे होगा ना तो गलत सीन हो सकता है। तो लगता है अभी ड्रॉप का टाइम हो चुका है। ओके गाइस खुल गया ड्रॉप, ऐसे करता हूँ मैं चलता हूँ फटाफट से एंड जैसे गाइस मैंने ड्रॉप देखा ना तो मैंने कहा चल बेटे वहाँ पे बंदा आ रहा है तो बंदे को बचाना है, फटाफट से बैठो। भाई भाई मैंने बंदा देखा ना मैं तो सीधा अपने जो हैली से कूद गया, मैंने कहा कि बंदा जो है ना बम ना अपने सेफ बॉक्स में डाल दे, मैंने कहा अच्छा बेटे मेरी लूट उठाएगा तू है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने ये बंदे को बजाया इजीली, बस देखता हूँ बस ये लूट ना उठा ले। वैसे सबके पास यार स्टील का आर्मर है, तभी मैं बोलूँ इतना जल्दी मैं कैसे मर रहा था यार, बंदे जो है ना स्टील का आर्मर पहन के आ रहे हैं और पहले जो है ना मैं आयरन का आर्मर पहन के घूम रहा था, मैंने कहा गलत सीन है बट कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके यहाँ पे एक बंदा था उसका लूट उठाता हूँ एंड देखो यार ये भी स्टील के आर्मर में, देख रहे हो स्टील के आर्मर, भाई अमीर लोग हैं सर्वर के जितने भी हैं, बाकी तो सारे बंदे जो है ना हैकर ने भगा दिया है। सो अभी जो है ना मैं यहाँ पे से चलता हूँ, बट जैसे ही मैं यहाँ पे से घर जा रहा था तो मुझे रिपोर्ट में दो बंदे का नाम शो हुआ जिनको मैं अभी मारा था, एक वो था तो दूसरा तो डेफिनेटली उसी का टीममेट होगा। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं अपना लूट अपने बेस पे रख के आता हूँ, दोबारा से मिलिट्री आऊंगा उनको बजाने के लिए। तो चलिए गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने बेस में, लूट रखेंगे उसके बाद दोबारा से हम लोग आएंगे मिलिट्री में। तो भाई मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, रिपोर्ट में बंदे आ रहे थे, मैंने बीच में चेकआउट किया था सो डेफिनेटली वो उधर ही जा रहे होंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट से। ओके फ्यूल निकाल लूं एंड सारे का सारा लूट अंदर रखता हूं और उसके बाद फिर से हम लोग निकलते हैं मिलिट्री। हाँ काफी ज्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई अपना बेस सही करना, बेस 12C4 का है वो पता है गाइस मैं करूंगा अभी ठीक, 3x3 का मेन करेंगे उसके बाद हम लोग डबल वॉल का करूंगा, ये ऐसी है बस क्योंकि स्टील वगैरह है अपने पास कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन लोग कर देंगे उसको। तो उसके बाद मैं मिलिट्री पहुंचा, बंदे की फायर के शॉट्स आ रहे हैं मुझे पता चल गया था बट मैंने डिसाइड करा उससे पहले जो है ना वो पर्पल रूम करे, पर्पल रूम मैं कर लेता हूँ। तो वो जो है ना गाइस मुझे पता चल गया वो कहाँ पे जो फ्री वाली एमो चेस्ट होती है ना वो उठा रहा है, भाई आयरन का हेड मिला। ओके गाइस यहाँ पे कंपोनेंट्स मिला। तो हाँ यार काफी ज्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई हैमर किस तरीके से बनाते हैं, मैं सोच रहा था कि जब मेरे को हैमर का कंपोनेंट मिल जाए तो बता दूंगा बट यहाँ पे मेरे को एक्स के कंपोनेंट्स मिले। तो चलो ठीक है यार मैं अभी आपको बताता हूँ कि हैमर किस तरीके से बनाते हैं। उसके लिए गाइस हमें एक कंपोनेंट चाहिए होता है, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है तो उससे फायदा क्या होता है, जब आप लोग रेड करते हो ना हैमर से तो उससे डबल डैमेज आता है, तो वो अभी बताता हूँ। सबसे पहले उस बंदे को मारते हम लोग। तो भाई यहाँ पे बंदा है तो देखो आ रहा है आराम से, रुक जा भाई तेरे को कैंप करके बजाऊंगा। हाँ भाई किधर। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इस बंदे को बजाया, सबसे पहले तो हम लोग लूट वगैरह उठा लेते हैं। भाई इससे मेरे को एक छड़ी तो मिल चुकी है, भाई मजा आ गया। ठीक है ड्रॉप करता हूँ जितना भी सामान है। MG4 लेके आ रहा है बंदा, बंदे की काफी ज्यादा फेवरेट है MG4।
पहले भी जब आया था ना यहाँ पे MG4 मिला था अपने को, इस बार भी MG4। चलो ये जितनी वायर है ना वो ड्रॉप करता हूँ, एक ये चेस्ट है ये भी ड्रॉप करता हूँ। भाई स्टील का आर्मर होगा डेफिनेटली, हाँ स्टील का हेड है, जूता भी। भाई स्टील का आर्मर तो मेरे को पूरा इसी बंदे से मिल गया। थोड़ी सी बुलेट से वो उठा लेते हैं, बट जगह नहीं अपने पास। हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत करके उठा ही लेते हैं। बट हाँ यार मैं तुम्हें ना सबसे पहले तो हैमर बनाना सिखाता हूँ, तो मेरे को ये हैमर की छड़ी उठानी पड़ेगी। पहले एमो उठाऊंगा पूरा, ठीक है उठा लिया ये एक्सिस, मैंने ड्रॉप किया। ओके बैक पैक फुल है यार, रुक जाओ। ओके ये गिराता हूँ शॉटगन की एमो वाला। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने छड़ी उठाया। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं बैकपैक में दो कंपोनेंट्स हैं, देखो इसमें अभी कोई कंपोनेंट्स लगे नहीं भाई। ये एक्स का कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे डाला ये वैसी है जिससे आपकी डैमेज बढ़ता है, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे से इसको ऑन करेंगे, देखो ये ऑप्शन आया यहाँ पे, आप लोगों ने रिलोड के नीचे देखा होगा, तो ये जो है ना इजीली आपका एक्स बन जाएगा, देख रहे हो। बस आपको जो है ना पहले शॉट बनाने वाले को लॉन्ग प्रेस करना है आपके थंब के सामने, आई मीन जहाँ पे मेरा रिलोडिंग का ऑप्शन है ना वहाँ पे आएगा एक्स का। अगर आपके पास हैमर का कंपोनेंट है वहाँ पे हैमर का भी ऑप्शन आएगा, तो आप लोग अगर उसको क्लिक करोगे ना तो हैमर बन जाएगा, अगर आप लोग एक्स वाले को क्लिक करोगे तो एक्स बन जाएगा। तो अब मत पूछना दोबारा से कि भाई हैमर कैसे बनाते हैं, मेरे पास हैमर का कंपोनेंट्स नहीं है। जब मेरे पास हैमर का कंपोनेंट्स होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैं निकला, अपने को यहाँ पे कुछ खास नहीं मिला जो चीज़ चाहिए था, तो फिर मैं यहाँ पे एयरपोर्ट हार्बर पहुंचा। भाई हार्बर का पर्पल रूम भी करना है, भाई आजकल तो रूम करने में बिजी हूँ यार बहुत। मेरा प्लान है जब तक अपने को वो नहीं मिलेगा ना रिएक्टर एंड एनर्जी कंट्रोल डिवाइस, तब तक अपन लोग शांत नहीं बैठने वाले। वैसे यार अभी टाइटेनियम भी फार्म करना है अपने को, कम से कम 2000 के करीब तो टाइटेनियम करना पड़ेगा, देखूंगा एक दिन करेंगे सबके साथ। ओके यहाँ पे एक और कंपोनेंट्स मिला, ठीक है लेके चलेंगे इसको। बट यहाँ पे जो है ना गाइज यहाँ पे करने के बाद मैं एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट का रूम जो है ना ऑलरेडी लूटेड था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा था बैंडिट कैंप में। एंड वहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे क्या करा, उसके बाद मैं एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट में जो है ना रूम नहीं था, तो मैं यहाँ पे पहुंचा बैंडिट में, बैंडिट ऑलरेडी लूटेड था, तो मैंने कहा यार आज तो पकड़ के रहूंगा। यहाँ पे जो है ना तीन बंदों का नाम रिपोर्ट में शो हो रहा था, एंड देखो गाइस यहाँ पे एक बंदा दिखा हुआ सांप बन के लेटा हुआ है। मैंने कहा चलो इसको तो मैं इजीली मार दूंगा, बट मुझे यह पता नहीं था कि इसका एक और बंदा सांप बन के कोई और जगह लेटा हुआ है। मैंने कहा रुक जा भाई इसको बजाओ पहले, मैंने इसको बजाया पूरा फिनिश करा भाई, दूसरे सांप ने मेरे को ढस दिया। भाई चलो होता है, तुम भी सांप बनो कभी हम भी सांप बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई मेरा लूट गिर गया, कोई नहीं चलो। उसके बाद यार मैं इनका बेस देखते देखते आ गया, क्योंकि मेरा गाड़ी इनके पास था। भाई रेड तो हो सकता है, क्या करें गाइस अभी रेड करें या फिर 71 आवर्स में करें, क्योंकि अभी रेड करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकायदा अपना जो है ना काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। मेरा प्लान था ये डेफिनेटली बंदे बाहर तो निकलेंगे, बट ये जो है ना गाइस बंदे बाहर नहीं निकले, बट इनका एक बंदा छत में आया, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रूफ लगाई, रैंप बना के रैंप पे चढ़ा, एंड उसको जो है ना यहाँ पे से मैंने इजीली भर दिया। उसके बाद ये बंदा जो है ना बेस से करने लगा हाय देयर डोंट शूट आई एम ऑन योर साइड, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी दे दे, उसके बाद दुश्मनी खत्म। बंदे ने मेरी गाड़ी नहीं दी, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइस, 71 आवर्स में तो इसी को पकड़ेंगे सबसे पहले, क्या बोलते हो? मुझे तो लगता है इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा, रुको अभी। ओके नहीं आ रहे कोई, एक को तो बजाया। उसके बाद यार मैंने इनके बेस के बगल अगल बगल में गाड़ी घुमाई, बट ये बाहर ही नहीं निकला। ये तो बाहर ही नहीं निकल रहे यार, चलो ऐसे करते ना फटाफट से नीचे चलते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। पहले मैं फटाफट से गाड़ी में बैठता हूं, क्योंकि अपने टीममेट भी यहाँ पे आ चुके हैं, भाई एनर्जी आर्मर पहना हुआ है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो एक बार इनके बेस के अगल बगल गाड़ी घुमाते और देखते हैं। भाई बैठो। ओके तो भाई यहाँ पे बंदा बोलने लगा था हाय देयर डोंट शूट जब मैं राउंड मार रहा था ना, तो ये तो निकले नहीं। मैंने कहा चलो यार अभी यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है, बंदे आ ही नहीं रहे बाहर।
तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा है, चलो चलते हैं अभी बेस में, थोड़ा सा रूम्स वगैरह करेंगे, फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन चले जाएंगे। भाई यार हैकर ने ना गाइज लिटरली बंदे भगा दिए हैं, मजा नहीं आ रहा है सर्वर में। बट मैं लीव करूंगा तो डेफिनेटली आप लोग बोलोगे कि भाई तू कितने सर्वर लीव करता है, एटलीस्ट एक सर्वर तो पूरा खेल ले। तो बीच के डेज थोड़े से बोरिंग होते हैं वो मुझे भी पता है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइज। अभी जो है ना अपने राइन भाई घर जा रहे हैं, राइन भाई के पकड़ूंगा ना ग्लोबल खेलने के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उनके साथ मजे करेंगे, मतलब हैकर भी होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं, मारने का ट्राई करेंगे। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे मिलिट्री पहुंचा, एयरपोर्ट। तो यहाँ पे गाइज एक बंदा जो है ना पर्पल रूम कर रहा था, मैंने कहा रुक जा बेटा तेरी वायर निकालता हूँ, ठीक है यहाँ पे है, मैं वायर निकाल के ऑलरेडी आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे नाइस करने में लगे हुए थे, बट बाद में जो है ना ये भाई बोलने लगा अरे भाई वायर डाल दो। मैंने कहा अरे भाई ये तो इंडियन है, तो वो बोलने लगे भाई मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ वायर डाल दो। मैंने कहा पहले एक चीज बता मेरे को, अगर रिएक्टर है तो रिएक्टर दे तभी डालूंगा वायर, और एनर्जी कंट्रोल डिवाइस है तो मैं वायर डालूंगा। वो बोला भाई नहीं है, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली दे दूंगा। तो देखो यार अभी देखो अभी ये नाइस ही किया नहीं अभी। हेलो भाई सुन रहे हो आप लोग? ओके मैं यार लेके आया था बट वो भाई कर लिया रूम। भाई लिटरली बताऊं यार बंदे मिल नहीं रहे हैं, ढूंढने से बंदे मिल नहीं रहे हैं, बट रूम ना आपको मिलेंगे नहीं सर्वर में, ऐसा कैसे मुझे नहीं पता। लगता है बंदे जो है ना काफी ज्यादा छुप के खेल रहे हैं, बट जो भी मिल रहे हैं ना 2 से नीचे तो है ही नहीं। एंड आपको पता है मोबाइल में मैं इतना खेलता नहीं हूँ, सो मोबाइल से यार मैं पीपी भी नहीं कर पाता, जीरो है, मतलब हाथे अंगुलियां बड़ी बड़ी है ना तो मोबाइल में ना बैठती ढंग से, ये बात है। बट कोई नहीं, देखो यार अभी तक बंदे ने देख लगा, बंदे को लग नहीं रहा यहाँ पे बंदा है, बट चलो कोई नहीं डाल देते हैं भाई, छोड़ दो इनको भी यार। आज भी जो है ना गाइस ना ही हमें रिएक्टर्स मिला ना ही अपने को कुछ मिला, वैसे 10 से 15 मैंने पर्पल रूम किया बट सारा वेस्ट। तो मैं यहाँ पे पूछने लगा भाई रिएक्टर है क्या, तो वो बोले भाई मेरे पास रिएक्टर वगैरह कुछ नहीं है, बट अगर मिलेगा तो मैं दे दूंगा। चलो ठीक है यार, अगर भाई ने बोल दिया अगर मिलेगा तो दे दूंगा। चलो फटाफट से जो है ना हम लोग वायर डालते हैं, बट पहले जो है ना मैं इनसे पूछता हूँ एनर्जी कंट्रोल डिवाइस के बारे में, वायर बाद में डालूंगा। रुको अभी रुको, थोड़ा सा इनका रिप्लाई का वेट करने दो। तब पूछा मैंने गाइस यहाँ पे एनर्जी कंट्रोल डिवाइस है, तो वो बोले यार मेरे में ये भी नहीं है। मैंने कहा चलो यार बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बाद में मैंने बोला अगर भाई मिलेगा तो मेरे को दे देना, मुझे ज़रूरत है उसका। तो वो बोले ठीक है भाई अगर मिलेगा तो मैं दे दूंगा, बट डोर तो ओपन कर दो। चलो यार फटाफट से भाई को निकाल देते हैं। बाद में भाई बोलने लगे भाई मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ आ जाओ मेरे बेस में, पर मेरा प्लान था यार कि मैं अभी अपने बेस में जाऊँगा और यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। तो चलिए यार फटाफट से ऐसे करते हैं ना, वायर डाल के इनको आजाद कर देते हैं। तो ये बोलने लगे मेरे पास आउटर मतलब वॉल वाला डिवाइस है। मैंने कहा भाई वो तो मेरे पास भी है, वो नहीं चाहिए मुझे। तो बाद में मैंने बोला अगर मिले तो दे देना, तो वो बोले चलो ठीक है भाई अगर मिलेगा तो दे दूंगा। तो चलिए गाइस फटाफट से इनको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है यार मैंने बोल दिया अगर मिले तो जरूर दे देना, देखते हैं देते हैं या नहीं देते हैं। चलो इनको निकाल देते हैं बाहर। तो चलो यार फटाफट से एक बार इन भाई से मिलके आते हैं, वैसे मैं जा रहा था। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।